हर्षित आप कब उठते हैं? वो मीटिंग में नहीं है अभी। अच्छा, हर्षित मीटिंग में नहीं। प्रणय आप? 8:30 to 9 के बीच में। 8:30 to 9। तो रात में पढ़ते होगे ज्यादा। राघव? मैम 8 AM। अच्छा, ये भी रात वाले हैं इसका मतलब। अनुकृति? मैम हमारी रोज 6:30 क्लास होती है, तो 6 बजे के बाद उठना पड़ता है, वरना 8, 8:30। अच्छा, अगर क्लास होगी तो आप। अच्छा, आप लोग की मैथ्स की क्लास होती है ना? ओके। डेली यस मैम। होती है क्या मैथ्स की क्लास? नहीं मैम, ऑल्टरनेट फिजिक्स भी होती है ना, तो रोज ही होती है। अच्छा, फिजिक्स भी होने लगी सुबह में। यस मैम। यस अच्छा, मैम। तो अब आप लोग का क्या, शाम फ्री रहता है क्या? इवनिंग? इवनिंग किसका किसका फ्री रहता है? मैम TTS में 9:30 बजे क्लास होती है। TTS में 9:30 बजे इवनिंग में ना, वो किसकी यस होती है? मैम। यस मैम। 9:30 किसकी है? मैथ्स की। मैथ्स की। अच्छा, 9:30 मैथ्स की है। बाकी वैसे इवनिंग का टाइम आपका फ्री है। अच्छा, प्रियांजल? नो। यस मैम। प्रियांजल अलग जगह पढ़ती है ना? यस मैम। हाँ, प्रियांजल यस आपका। मैम अच्छा, मॉर्निंग में होती है। आपकी मॉर्निंग में होती है मैथ्स। मैम मेरी भी इवनिंग में होती है क्लासेस। अच्छा, तुम्हारी इवनिंग में हो रही है। किस किसकी किस यस मैम। किसकी किसकी इवनिंग में हो रही है आपकी? फिजिक्स मैथ्स कौन सी हो रही है? प्रणय? मैम फिजिक्स। फिजिक्स की आपकी इवनिंग है। अच्छा, यस मैम। इन लोगों से डिफरेंट बैच है क्या? मैम ये लोग दूसरे टीचर से पढ़ते हैं, मैं दूसरे टीचर से अच्छा पढ़ता अच्छा हूँ। आप किसी और से पढ़ रहे हो? ओके। जैसे प्रियांजल भी किसी और से पढ़ती है। यस हर्ष, मैम। हर्षित और राघव कहाँ पढ़ रहे हैं? जितेंद्र सर से ही पढ़ रहे हैं, किसी और से पढ़ रहे हैं? जितेंद्र सर से मैम। अच्छा, और राघव आपने फिजिक्स से स्टार्ट किया? नहीं। अच्छा, राघव ने भी लिखा है। सब आ गए क्लास में? ये कौन है? अग्रवाल? किसका मैसेज था? अग्रवाल जायसवाल एसोसिएट्स करके कोई मोबाइल किसका है? हर्षित आपका तो नहीं है? मैम आप इसको निकाल दो अगर कर दिया तो, गलती से हो गया था। हाँ अच्छा, नहीं, मैंने एडमिट किया नहीं है। अपने ग्रुप में सब आ गए? कोई रह तो नहीं गया? स्टार्ट करें फिर। हर्ष नहीं। हर्ष मिश्रा। हर्ष नहीं है। और कौन नहीं है? मार्किंग है। आर्ची। आर्ची लोग, आर्ची और मीत को तो कोई काम था आज, तो हर्ष को मैं कॉल लगा देती हूँ और बाकी स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या है? कोई बताएगा? गेट कंटेन्स कार्बन। गेट कंटेन्स कार्बन। और कोई पहचान होती है? यस
कोई और बताना चाहता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड देखो, इनिशियली ये जब निकाले गए थे ना तो लिविंग सोर्स से निकाले गए थे, इसीलिए इनका नाम ऑर्गेनिक पड़ा भी था। ठीक, अभी भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग सोर्स से निकाले जाते हैं, लेकिन एक साइंटिस्ट आए बाद में, वोलर, इन्होंने एक प्रोसेस किया, एक केमिकल प्रोसेस किया वोलर ने, तो वोलर उसको बोलते हैं वोलर सिंथेसिस। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट ख़त्म किया कि ये लिविंग सोर्स से ही निकाल सकते हो आप। इन्होंने बताया, वोलर ने क्या किया, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा फॉर्म किया जो आपको लैब में बनाया जा सकता है। ठीक है, तो वो जो बनाया था उसको बोलते हैं वोलर सिंथेसिस। क्या बोलते हैं? वोलर सिंथेसिस। कौन सा कंपाउंड बनाया था जो लोग लास्ट ईयर पढ़े हैं उनको मालूम? हाँ, यूरिया। वोलर सिंथेसिस के पहले तक ये पॉपुलर था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल मतलब लैब में नहीं बना सकते आपको, वो मैन मेड नहीं होता, वो क्या होता है, किसी सोर्स से निकाला जाता है, किसी भी लिविंग सोर्स से, प्लांट भी हो सकता है, दैट कैन बी एनिमल ऑल्सो, प्लांट सोर्स या एनिमल सोर्स से निकालते हैं इसको। लेकिन वोलर ने प्रूव किया कि वोलर ने क्या किया, यूरिया फॉर्म किया लैब में, तो बोला कि भाई अमोनियम साइनाइड प्लीज। हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन फॉर्म सिंथेटिकली आल्सो, कि आप इसको बना भी सकते हो, मैन मेड भी है, ये प्रूव किया कि मैन मेड भी है। तो अब बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए भी जाते हैं। ठीक, यूरिया का फॉर्मूला सबको पता है? Yes, sir. हाँ मैम, दैट कंटेन्स कार्बन, इसमें लिखा है अपन ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मैम, पर डायमंड और ग्रेफाइट तो इनऑर्गेनिक होता है ना। और भी चीजें होनी चाहिए ना उसमें, तो प्योर कार्बन ही है, केवल कार्बन होना चाहिए, हाइड्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें नाइट्रोजन होगा, फॉस्फोरस होगा, सल्फर होगा। भाई कंपाउंड तो आप तभी बोलोगे ना जब दूसरा एलिमेंट भी होगा इसमें। कंपाउंड की डेफिनेशन हम क्या बोलते हैं, व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो, और वो भी रेशियो कौन सा होता है, मास का, फिक्स्ड मास रेशियो, देन फॉर्म कंपाउंड। ठीक है, तो अगर ग्रेफाइट और इसकी बात कर रहे हो तो उसमें कोई चीज और थोड़ी ना मिली हुई, वो तो एलिमेंट है। ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, ये सब क्या है, ये कार्बन एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट के एलोट्रॉप्स। क्लियर हो गई बात? और कंपाउंड की एक और स्पेशलिटी होती है कि ये जिनसे बनता है उनसे डिफरेंट होता है, डिफरेंट फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट, जिससे बनेगा उससे डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये मिलकर के बनाते हैं वाटर, है ना। अब हाइड्रोजन जो होता है वो फ्लेमेबल होता है, अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको जलाओगे तो जल जाएगा, ये बर्न करेगा। ऑक्सीजन फ्लेमेबल नहीं होता, ये दूसरे को बर्न करने में हेल्प करता है, हेल्प इन बर्निंग। और अगर वाटर की प्रॉपर्टीज अगर आप देखो तो ना तो ये बर्न करेगा ना बर्निंग में हेल्प करेगा। तो आप क्या देख रहे हो, जो कंपाउंड बना उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है ना, हेल्प इन कंबशन। क्लियर हो गई? हम बात कर रहे थे यूरिया की, कंपाउंड की बात कर ली हमने थोड़ी सी।
यूरिया बना था, यूरिया का NH2CO NH2 एमाइड ग्रुप होता है, इसमें एमाइड ग्रुप होता है RCONH2, ऐसे बोलते हैं, CONH2 ग्रुप को बोलते हैं एमाइड ग्रुप। तो इसमें एमाइड ग्रुप होता है, इसके स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। NH2 होल टॉइस CO, या ऐसे भी लिख सकते हो NH2 NH2 सी डबल बॉन्ड। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म इन लैब। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन से बने होते हैं, ठीक है भाई, लेकिन पूरा अगर पूरे वर्ल्ड में कंपाउंड्स को देखा गया और बोला गया कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो नंबर है ना, नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हाईएस्ट है, मतलब कार्बन से मिले हुए बने हुए कंपाउंड का नंबर हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं, क्यों, क्या रीज़न है, तो देखा गया, तो ढूंढा गया भाई कि हाँ, कि एक तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन की, और दूसरी इसमें स्पेशल प्रॉपर्टी होती है टेट्रावेलेंसी। ठीक है, ज्यादातर जो एलिमेंट होते हैं उनकी वैलेंसी 1 2 3 इस तरीके की होती है, लेकिन जो कार्बन है ना, इसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, इसमें वैलेंसी इसकी 4 होती है, मतलब ये चारों तरफ से अपने कार्बन को भी ऐड कर सकता है, चारों तरफ से हाइड्रोजन भी ऐड कर सकता है, इसके चार तरफ डिफरेंट एलिमेंट भी, जैसे मान लो कोई एलिमेंट भी ए है, कोई बी है, कोई सी है, कोई डी है, ऐसे भी जुड़ सकता है, तो इसके साथ टेट्रावेलेंसी होने की वजह से इस पर पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई। जैसे मान लो कार्बन, एक कार्बन का ही हम कंपाउंड बना रहे हैं, यहाँ पे सारे एच रख दिए तो एक कंपाउंड बन गया, अगर 3 H रखे हमने और यहाँ पे कुछ और लगा दिया, Cl लगा दिया, तो दूसरा बन गया। इस तरीके से हम अलग अलग भी रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कार्बन के पास ये जो पॉसिबिलिटी है 4 वाली, इस पॉसिबिलिटी की वजह से ये बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है, इसके पास ऑप्शन क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक, इसकी वजह से इसका नंबर ज्यादा है। दूसरा, इसमें प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की, कैटिनेशन का क्या मतलब होता है, पता है किसी को कैटिनेशन क्या होता है? एबिलिटी ऑफ कार्बन टू कंबाइन विद मल्टीपल एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स और रिंग्स। नहीं, देखो इसमें होता है सेल्फ एडिंग। कैटिनेशन का क्या मतलब है? सेल्फ एडिंग। सेल्फ एडिंग का मतलब अपने ही एलिमेंट से, अपने ही एटम से ऐड हो जाएगा और ऐड होके लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बनाएगा, बहुत लंबी लंबी चेन वाले कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। तो सेल्फ एडिंग प्रॉपर्टी टू फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड, इसको क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। तो ये आपका जो 14 ग्रुप है, 14 ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो 14 ग्रुप में ये प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। ग्रुप 14 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? पीरियोडिक टेबल की अगर बात करें तो कार्बन होता है, सिलिकन होता है, जर्मेनियम होता है, टिन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें कैटिनेशन प्रेजेंट होता है इस ग्रुप में, और सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रेजेंट होता है कार्बन में, हाईएस्ट टेंडेंसी
ऑफ कैटिनेशन। ठीक है, इसीलिए अगर हम लोग देखते हैं कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को देख लो, या सिलिकन आपस में जुड़ रहा हो, या जर्मेनियम आपस में जुड़ रहा हो, टिन आपस में जुड़ रहा हो, लेड आपस में जुड़ रहा हो, ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड ये बनाता है कार्बन। रीजन क्या होता है इसका? साइज छोटा होता है। सब में अगर देखो तो नीचे जाओगे तो साइज बढ़ेगा ना, साइज इंक्रीज करेगा, तो साइज इंक्रीज करेगा तो ओवरलैपिंग उतनी अच्छी होगी नहीं। बॉन्डिंग के लिए क्या करना होता है? ओवरलैपिंग करनी होती है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? नीचे जाते हैं तो डिक्रीज करती है। बात समझ में आ रही? कार्बन का साइज छोटा है भाई, कार्बन में कितने हैं? 2, 4, इस तरीके से एटॉमिक नंबर 6 होता है ना। सिलिकन को देखो तो क्या हो गया? 14 हो गया एटॉमिक नंबर, 284 आ गया, 3 शेल्स बन गए, ठीक है, बड़ा साइज हो गया। तो साइज बड़ा हो जाएगा तो सेल्फ एडिंग में, सेल्फ एडिंग होगी तो, लेकिन क्या होगा आपका जो बॉन्ड होगा वो उतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना कार्बन कार्बन। अब अगर इस बॉन्ड की हम लोग बात करें तो कहाँ पे ऐड किया था? यहाँ तक बात क्लियर हो रही है ना? किसी को क्लियर ना हो तो बता दे, किसी को अगर कोई भी दिक्कत हो तो बोल दीजिए। ठीक है, अब इस बॉन्ड की अगर बात करो, जब सेल्फ एडिंग हो रही है तो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड बना रहा है अगर कार्बन, तो उसके बॉन्ड की जो स्ट्रांगनेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? बॉन्ड एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? इसको मैंने बताया साइज छोटा है, ओवरलैप अच्छा होगा। सी सी में क्या है? साइज छोटा है, इसकी वजह से ओवरलैपिंग अच्छी होगी, ओवरलैपिंग हाई होगी, इसलिए बॉन्ड कैसा बनेगा? स्ट्रांग बनेगा। स्ट्रांग बॉन्ड है मतलब बॉन्ड एनर्जी क्या है? हाई। नीचे की तरफ जाएंगे तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अब बॉन्ड एनर्जी डिपेंड किसके किसके ऊपर करती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एटम के। एटम का साइज बढ़ता जाएगा, ओवरलैपिंग कम होगी, बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं होगा, एनर्जी इसकी डाउन। दूसरा अगर बात करें, अगर अलग अलग एटम से ये एसोसिएट हो रहा है तो ई एन डी का मतलब होता है इलेक्ट्रो निगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, जैसे मान लो सी और एच जुड़ रहे हैं, कहीं पे मान लो N और H जुड़ रहे हैं, कहीं पे मान लो O और H जुड़ रहा है, और कहीं पे कोई बॉन्ड ऐसा है जिसमें H और F जुड़ रहा है। ठीक है, तो END का मतलब दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस देखते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि C और H में, N और H में, O और H में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस इसमें है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन में। आपको पता ही है फ्लोरीन क्या है? हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन। पॉलिंग स्केल पे इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना आया था? 4। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटली देखा गया कार्बन हाइड्रोजन का इन सब में सबसे कम था, नाइट्रोजन हाइड्रोजन की उससे ज़्यादा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा अगर इस बॉन्ड की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ठीक है, तो
तो बॉन्ड एनर्जी की अगर बात करें तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड कौन सा होगा अगर इन चारों को कंपेयर करें। और ये सी एच, ये वाला बॉन्ड क्या होगा एच एफ के कंपेरिजन में? इतनी बात क्लियर है? अब बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर भी। बॉन्ड ऑर्डर होता है बेसिकली, अगर सिंपल वे में बोले तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स, टू एटम्स के बीच में कितने कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है वही होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर। जैसे मान लो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन, यहाँ पे कार्बन का एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे अगर बॉन्ड ऑर्डर देखो तो क्या हो जाएगा वन, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा टू, और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा थ्री। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे बॉन्ड एनर्जी क्या होती है इंक्रीज करते हैं। इसका मतलब क्या है? बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? बॉन्ड ऑर्डर के। ठीक। अब जैसे हम बात करें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की, हम बोलते हैं कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, कोई बताएगा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है पाई कैसे होता है? किस तरीके की ओवरलैपिंग होती है? जो फर्स्ट बॉन्ड होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, बाकी सारे पाई होते हैं। और मैम सिग्मा बॉन्ड में एक्सियल ओवरलैपिंग होती है और पाई बॉन्ड में वो साइड वाइज ओवरलैपिंग। देखो सिग्मा बॉन्ड में एक्सियल ओवरलैपिंग होती है और अगर पाई बॉन्ड की सिग्मा बात में बॉन्ड एनर्जी, पाई बॉन्ड की बात करो तो लेटरल ओवरलैपिंग होती है। तो अगर वैसे देखा जाए तो लेटरल ओवरलैपिंग उतनी अच्छी नहीं होती है, एक्सियल ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे मान लो ये पी है और ये पी है, इसका ये एक्सियल ओवरलैप, ठीक है, और साइड ओवरलैप बोलोगे तो इस तरीके से ये साइड वाइज हो, ठीक है। तो इसमें इतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं होती है, इसमें एक्सियल ओवरलैपिंग ज़्यादा अच्छी होती है। यानी सिग्मा बॉन्ड जो होता है अगर पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड को कंपेयर किया जाए तो इसमें आपका सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है। ठीक है, लेकिन अगर सिंगल डबल और ट्रिपल की बात करो, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो होता क्या है जब सिंगल बॉन्ड बनता है तो उसमें केवल एक सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है आपको, यहाँ पाई बॉन्ड, अगर ये डबल बॉन्ड दिख रहा है तो इसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है और इसमें होता है वन सिग्मा एंड टू पाई। पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनता है और अगले दूसरे कौन से बनते हैं? पाई बॉन्ड, ठीक है। तो क्योंकि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से स्ट्रांग होता है तो इसमें हम लोग सिग्मा से कंपेयर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड है इसमें भी एक ही सिग्मा बॉन्ड है, इसमें भी एक ही सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है भाई, इसमें एडिशनल पाई बॉन्ड आ गया ना, और इसमें कितने आ गए? टू आ गए एडिशनल। सिग्मा तो स्ट्रांग था ही था, उसके साथ टू एडिशनल और भी, जबकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, वीक है, लेकिन टू एडिशनल बन गए, इसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो जाती है ट्रिपल बॉन्ड वाला। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। यस मैम। आप देखो अगर कार्बन कार्बन को लेते हैं तो यहाँ पे बनता है आपका पाई बॉन्ड बन सकता है, यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म होता है,
ठीक है। लेकिन अगर सिलिकन सिलिकन का केस ले लो, तो सिलिकन में अगर हम सोचें कि साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाए, पाई बॉन्ड बन जाए, तो सिलिकन सिलिकन में ये पाई बॉन्ड नहीं बनता। रीजन क्या होता है? सिलिकन का साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है। अगर साइज बड़ा हो जाएगा तो इसमें डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, दूर दूर हो जाएंगे और ये बड़े बड़े होंगे। जब भी कभी भी ये आपके ऑर्बिटल्स बड़े बड़े हो जाते हैं तो ओवरलैपिंग में दिक्कत आती है, तो ओवरलैपिंग नहीं होती। साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं होती। अब देखो, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए कार्बन के कंपाउंड पे देखना है तो हमें क्या याद रखना होता है कि इसमें केवल थ्री टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आपको दिखेगा, sp, sp2 और sp3। कैसे पहचानोगे आप? कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड में है, कौन से बॉन्ड में? ट्रिपल बॉन्ड, या कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड है, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp। कार्बन अगर डबल बॉन्ड में है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2। और कार्बन अगर केवल सिंगल बॉन्ड में है तो उस कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3। आप पहचान लेंगे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसमें केवल सिग्मा बॉन्ड है, इस पे सिग्मा और पाई दोनों होंगे, और इसमें क्या होगा? इसमें भी सिग्मा और पाई दोनों होंगे, क्योंकि आपको पता है डबल बॉन्ड में पहला बॉन्ड कौन सा होता है? सिग्मा, और दूसरा कौन सा होता है? पाई। ट्रिपल बॉन्ड की बात करो अगर, तो पहला होता है सिग्मा और दूसरे कौन से होते हैं? पाई। तो अगर आपको कोई स्ट्रक्चर दिया जाए तो आप पहचान दो ये क्या है भाई, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो कैसा शेप होता है। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो देख लेते हैं। sp3 में कौन सा बॉन्ड एंगल है? 109 डिग्री। sp2 में 120 पे, और sp में 180 पे। sp में किस तरीके से ऑर्बिटल लगे? ऐसे अटैच होते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं किसके, BeCl2 की बात करो, तो ये जो सेंट्रल वाला ये कौन सा है? बी है। तो बी में दोनों हाइब्रिडाइज, एक हाइब्रिडाइज ये वाला है और एक हाइब्रिडाइज ये वाला है। दोनों हाइब्रिडाइज कैसे अटैच है एक दूसरे से? 180 डिग्री। किसका एग्जांपल है? sp। ठीक है, sp2 में कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है। किस तरीके से लगे होते हैं? और sp3 में किस तरीके का अटैचमेंट होता है? टेट्राहेड्रल। कैसे बनाओगे टेट्राहेड्रल? एक छोटू सा पीछे दिखाते हैं, इसमें 109 डिग्री, इसमें 120, इसमें 180, इसमें शेप होता है टेट्राहेड्रल, इसमें लीनियर, इसमें ट्राइगोनल प्लेन। अब कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे? सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन सिंगल बॉन्ड तो एल्केन में प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड तो एल्कीन्स में दिखेगा आपको, ट्रिपल बॉन्ड तो एल्काइन्स में दिखेगा। और दूसरा साइक्लो एल्केन, मतलब ऐसा कोई एल्केन जो साइक्लिक बना हुआ, या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सेचुरेटेड पार्ट में। सेचुरेटेड पार्ट का मतलब होता है जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड हो, ओनली सिंगल बॉन्ड। सेचुरेटेड पार्ट वो दिखेगा जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड हो, तो वहाँ पे कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा? कार्बन पे sp3। sp2 की बात करो तो किसी भी कंपाउंड में जहाँ आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, चाहे वो cc के बीच में हो, चाहे co के बीच में हो, cn के बीच में हो, या किसी अदर एलिमेंट के बीच में हो, तो वहाँ पे आपका sp2 आ जाएगा। और sp3 में कहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख रहा है, तो आप पहचान लोगे। अगर आपसे नंबर निकालने को कहा जाए किसी कंपाउंड में, कितने सिग्मा कितने पाई, कहाँ पे sp, कहाँ पे sp2, कहाँ पे sp3,
ठीक है, उसके बाद नीचे की तरफ एक दिया हुआ है परसेंटेज एस कैरेक्टर, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर आपको मालूम ही है कैसे कैलकुलेट करते हैं, पता है ना सबको कि यस मैम एस पे 3 है, अगर हमें निकालना है क्या परसेंटेज एस कैरेक्टर, तो क्या देखते हैं एस कितना है, फ्रैक्शन, इट इज लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। एस यहाँ पे 1 दिख रहा है एस ऑर्बिटल, और पी कितने दिख रहे हैं आपको, 3 दिख रहे हैं, तो एस हो गया 1 और पी हो गए 3 और एस 1 है, तो टोटल हो गए 4 मल्टीप्लाइड बाई 100 25%। इसी तरीके से एस पी 2 के लिए भी निकाल लेंगे, एस पी के लिए भी निकाल लेंगे, तो ये परसेंटेज आपको याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन आपसे छोटा सा पूछ लेते हैं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर किस में ज़्यादा होगा, ठीक है, तो एस पी 3 में 25, फिर एस पी 2 में एस कैरेक्टर 33.3 और इसमें फिर 50% हो जाएगा, क्योंकि 1 ही एस है 1 पी है, तो 50 आ गया। इसी तरीके से परसेंटेज पी कैरेक्टर भी एस पी में 50 होता है, और इसमें पी बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 एस है और 3 पी है, फ्रैक्शन वाइज भी आप देख रहे हो 75% हो जाएगा पी, और ये हो जाएगा 66.7। तो आपको कोई इतना वैल्यू वगैरह नहीं याद रखना है, लेकिन किस ऑर्डर में बढ़ रहा है किस ऑर्डर में घट रहा है वो याद रखना है। एस कैरेक्टर एस पी 3 में सबसे कम है और एस पी में सबसे ज़्यादा है, और अगर आप पी कैरेक्टर की बात करो तो पी कैरेक्टर आपका एस पी 3 में सबसे ज़्यादा है और एस पी में सबसे कम। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करो, आपसे कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेते हैं, डबल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन या सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन, किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो याद रखेंगे ट्रिपल बॉन्ड वाले की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन को पुल करने का पावर इसमें सबसे ज़्यादा होगा, अट्रैक्ट ये सबसे ज़्यादा करेगा। इसके बाद क्या दिया है इन्होंने, अच्छा इसके बाद इन्होंने बताया बॉन्ड लेंथ के बारे में, तो बॉन्ड लेंथ याद रखिए, बॉन्ड ऑर्डर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो बॉन्ड ऑर्डर आप देख रहे हो कि ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा, डबल बॉन्ड में 2, सिंगल बॉन्ड में 1, तो बॉन्ड लेंथ किसकी सबसे ज़्यादा होगी, इन्वर्स चलता है, तो बॉन्ड लेंथ किसकी सबसे ज़्यादा होगी, सिंगल बॉन्ड वाले की, फिर डबल बॉन्ड की, फिर ट्रिपल। वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल की सबसे ज़्यादा, डबल की उससे कम और ट्रिपल की, और कहीं अगर रेजोनेंस हो रहा हो, कोई बॉन्ड कभी सिंगल दिखता है कभी डबल दिखता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, डबल और सिंगल के बीच का आएगा, इन बिटवीन बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। अगर आपको किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस दिख रहा है, कभी वो बॉन्ड सिंगल हो रहा है कभी डबल हो रहा है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इन बिटवीन आ, ना तो सिंगल के एग्जैक्ट आएगी ना तो डबल के एग्जैक्ट आएगी, इसके बीच में आ जाएगी। क्लियर है बात? यस मैम। यही रूल आपका पहला बताया गया कि सीसी बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ, यही रूल आपका सीएच बॉन्ड में भी चलेगा, सीएच बॉन्ड में भी सबसे ज़्यादा आपका सिंगल बॉन्ड पे होगा, और अगर वो कार्बन ट्रिपल डबल बॉन्ड बना रहा है तो उससे कम, और ट्रिपल बना रहा है तो उससे कम, लेकिन डिफरेंस देखो इसमें कम है, 1.10 है इसमें, 1.07 इसमें आपका, 1.06 ज़्यादा का डिफरेंस है। बॉन्ड एनर्जी की बात करो तो आपके ट्रिपल बॉन्ड वाले की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा हो, अब देखो जैसे इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, गिव आंसर ऑफ ऑल 4 पार्ट्स बताने हैं आपको, ये मॉलिक्यूल आपको दिया, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, कितने सिग्मा कितने पाई, कितने सिग्मा 7 सिग्मा कितने पाई, ठीक है। तो देखो सिग्मा काउंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को ओपन करके लिख लो, एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं इसको, 7 सिग्मा एंड 3 पाई, 7, ठीक है।
अब जितने सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं वो तो सिग्मा हो गए, और ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा होगा, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई होगा और बाकी सारे सिग्मा हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड था ना, CH2 डबल बॉन्ड था, तो डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा, कितने सिग्मा हो गए ओवरऑल में, 1 2 3 4 5 6 7 7 सिग्मा हो गए, और पाई कितने हो गए, 1 पाई तो ये डबल बॉन्ड वाला और 2 पाई यहाँ पे, तो आप क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स आर प्रेजेंट, कितने तरीके के प्रेजेंट है, टाइप्स कितने हैं, ठीक है। तो देखो अगर तो कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला है तो ये sp2 होगा, इस पे डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, इस कार्बन की बात करो तो ये sp2 होगा, इस पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, इस कार्बन की बात करो तो इस पे भी डबल बॉन्ड है तो ये भी sp2 है, इसकी बात करो तो इस पर ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो ये sp है, और इसकी बात करो तो कितने तरीके के आपको हाइब्रिडाइजेशन दिखे, दो ही तरीके के तो दिखे, एक sp दिखा और एक sp2 दिखा, तो आप क्या आंसर लिखोगे, 2 टाइप्स, एक है आपका sp और दूसरा टाइप कौन सा दिख रहा है आपको, sp2। सबको क्लियर है? Yes, अब बोल रहे हैं विच ऑर्बिटल आर यूज्ड इन मार्क्ड CC बॉन्ड, यहाँ पे कैसा ऑर्बिटल यूज हो रहा है, ये जो बॉन्ड बन रहा है CC बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसमें कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है, बताइए, इसकी बात कर, एस और पी, अच्छा सिंगल बॉन्ड है ना, तो पूछ रहे ओवरलैपिंग कौन सी हो, sp3, अच्छा अब इस पे sp3 है ही नहीं तो sp3 कैसे आ रहा है, यहाँ तो डबल बॉन्ड है तो ये वाला sp2 है और ये है sp3, एसपी और कौन सा होगा यहाँ पे, इधर वाला एसपी और इधर वाला sp2। देखो बेसिकली आपको इसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा कि ये कार्बन क्या बना रहा है, एक सिंगल बना रहा है, दूसरा ये सिंगल बना रहा है और ये डबल बॉन्ड बना रहा है, अगर इस कार्बन की बात करें, ठीक है, तो डबल बॉन्ड बन रहा है, एक सिंगल बन रहा है और इधर एक सिंगल बन रहा है, तो सिंगल तो आपको पता है कि सिग्मा ही है, सिग्मा कैसे कैसे बन सकता है आपका, सिग्मा आपका एस और पी के बीच में भी बनता है, सिग्मा आपका एस और sp3 के बीच में भी बनता है, सिग्मा आपका एस और sp2 के बीच में भी बनता है, सिग्मा आपका एस और sp के बीच में भी बनता है, ठीक है, लीनियर होगा तो सिग्मा बन जाएगा, ठीक है। अब देखो पहले वाले अगर कार्बन की बात करो, इस कार्बन की अगर बात करो, ये वाले को पूछा गया ना, तो इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन हम बोल रहे हैं sp2 है, sp2 का मतलब क्या हुआ, sp2 कैसे बनता था, कार्बन पे कितना है, 1s2 2s2 2p2, यही तो है, sp2 बनाना होता था ये तो ग्राउंड स्टेट है, sp2 बनाना होता था तो हम क्या करते थे, कौन बताएगा, एक्साइटेड स्टेट में इसको कहाँ पे ले जाए, थ्री
3sp2 बनाने हैं ना, कितने बनाने हैं भाई? एक एस और 2p मिलके क्या बनाते हैं? 3 new orbitals बनाते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, sp2 ही तो बोलते हैं। यही बेसिक कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन में, यही तो बताया जाता है। तो आप कौन कौन से के मिक्सिंग करें? देखो, एक इसको ले लो, इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाओ तो ये इधर चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें से ये एस और 2p को ले लो, ये तीनों मिलके क्या बना लेंगे? 3 new orbitals बनाएंगे, जिनको हम नाम क्या देंगे, sp2, ठीक है। अब वो अरेंज कैसे होंगे, कौन सी ज्योमेट्री में अरेंज होते हो, ठीक। अब इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को अगर देखो तो इसके पास कितने आ गए, 3 आ गए आपके sp2। अब एक तो इधर हाइड्रोजन से कर लेगा, ठीक है, और एक इधर करेगा, डबल बॉन्ड बनाना है। डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, एक सिंगल बनाना है उसको और एक क्या बनाना है, कैसे करवाओगे बॉन्डिंग, सोचो इसके बारे में थोड़ा। इस कार्बन की बॉन्डिंग किस तरीके से होगी? देखो, ये 3 तो sp2 बन गए इसके, ठीक है, और एक ये p बचा हुआ है ना, वो लेस से कर लेगा, ठीक है। ये तो कर लेगा साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे कहीं, अगर इसके पीछे इसको टेढ़ा करके बना दो अगर ऐसा कुछ, ऐसा कुछ बना दो कि यहाँ पे अनहाइब्रिडाइज यहाँ पे पड़ा हुआ होगा जिसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं, ठीक है। तो ये बना लेगा पी ऑर्बिटल, मतलब हाँ पाई बॉन्डिंग कर लेगा, और बाकी क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, sp2 और एस के बीच में बनेगा सिग्मा बॉन्ड, देख लो। एक इसको बनाना है हाइड्रोजन से, एक बनाना है इसके इस कार्बन से, और एक बनाना है इस कार्बन से, बन जाएगा। तो अब अपने क्वेश्चन का आंसर दे दो, विच ऑर्बिटल आर यूज्ड इन मार्क्ड CC बॉन्ड, ये वाले बॉन्ड में कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ? इसका तो आ गया sp2, इस कार्बन का कौन सा यूज हो रहा है, sp2। अब इसको भी देखो, ट्रिपल बॉन्ड वाले, इस कार्बन को हम ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम। तो ए का तो क्लियर हो गया कि ए का है आपका sp2, ये जो कार्बन CA है इसका है sp2 यूज हो रहा। अब जिसको हमने बी नाम दिया उसमें कौन सा यूज होगा, सोचो, क्योंकि यहाँ पे तो ये कार्बन कौन सा है, sp हाइब्रिडाइज होगा क्या, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है आपको तो? Yes, ma'am. इसके बारे में सोचिए, ये sp हाइब्रिडाइज है तो इसमें 2 पाई बॉन्ड बनने हैं, और क्या बनना है आपका,
अगर एसपी वाले हैं, उसके बगल वाला भी एसपी है, तो इसमें क्या बनना है? टू पाई बॉन्ड्स बनने हैं। ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है आपको, तो टू पाई बॉन्ड्स का मतलब जो दो अन हाइब्रिडाइज मिलेंगे ना इसमें, वो तो बना लेंगे आपके पाई बॉन्ड्स, ठीक है। और बाकी जो बचेंगे, क्योंकि इसमें होता कैसे है, वही है 2s और 2p2 है ना, सिचुएशन वही वाली है। इसमें दो ने तो कर लिया हाइब्रिडाइजेशन, 2sp2 बना लिए, और दो बच गए अनहाइब्रिडाइज, ये वाले जो पाई बनाएंगे, और दो बनाएंगे ये जो sp2 वाले हैं, ये क्या बना, sp वाले हैं ये क्या बना लेंगे, सिंगल बॉन्ड। तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही तो दिख रहा है आपको, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही तो है इसके, इसके बीच में, तो क्या बनेगा sp। इसका मतलब जो CA है उसका sp2, और जो CB कार्बन जिसको हमने बोला उसका sp यूज। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें ध्यान देना था कि कार्बन कौन सा, ये जो बॉन्ड बन रहा है इसमें कौन सा ऑर्बिटल वो अपना यूज कर रहा है। सबको क्लियर है? यस मैम। मैम एक डाउट था मैम, एक नॉन मेटल मैम तीन बॉन्ड बना सकता है ना मैम? तो इधर अपन ने शायद चार बना दिए। कहाँ चार बना? किसको, कौन से कार्बन? हम ये sp वाले में शायद, ये sp कार्बन है, ठीक है। 1 2 3 4, फोर बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, जिसमें से दो तो पाई हैं, अगर इसको 2π मान लो कि ये दो पाई बनाएगा, ठीक है, और ये आपका ये बनेगा सिग्मा, और एक ये सिग्मा बनेगा। कहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है? इस कार्बन के लिए भी यही सिचुएशन होगी मैम? कंफ्यूजन तो ये हो रहा है कि मैम एक नॉन मेटल मैम कार्बन नॉन मेटल है, तो वो तीन बॉन्ड बना सकता है, एक तो वो सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड मैक्सिमम। अच्छा, तीन बॉन्ड बना सकता है? नहीं भाई, इधर से अगर दूसरा sp आ गया, ये वाला कार्बन देखो, इस कार्बन को देखो और इस कार्बन को देखो, ये बीच में तो तीन बॉन्ड ये बना ही रहा है, और इधर अगर दूसरा कोई कार्बन या इसके इस तरफ ये हाइड्रोजन आ गया तो एक और बॉन्ड भी तो बना रहा है, फोर बॉन्ड बनाएगा ना वो मैक्सिमम। यस मैम, सॉरी। ठीक है, फोर बनाएगा, थ्री की बात ही नहीं है, कंप्लीट कैसे होगा उसमें? एक और क्वेश्चन था ना इसमें, टोटल नंबर ऑफ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवर द कार्बन एटम, कौन से कार्बन एटम को पूछिए? अच्छा, सारे कार्बन एटम पे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हैं? चलो काउंटिंग करो। अनहाइब्रिड का मतलब क्या है? जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं उनकी बात हो रही है। कोई बताना चाहता है? सोच रहे हैं? अनहाइब्रिडाइज कितने थे? कोई बोल रहा है या मैं बोल?
कैसे देखेंगे इसको, कोई अप्रोच काउंट नहीं कर पा रहे हैं। मैम जैसे अपन जो कार्बन से उनकी हाइब्रिडाइजेशन से देख लेते हैं कि जैसे कि फर्स्ट वाले कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसके अंदर दो p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल काम में आ रहा है, तो ये तो हाइब्रिडाइज हो गए। इनके इनको छोड़ के जो बच गए वो फिर अनहाइब्रिडाइज हो जाएंगे, ऐसे तीनों कार्बन चारों कार्बन करके। ऐसे चारों में देख लेंगे। तो देखो ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp है, ये sp है। कैसे देखे sp2 10 होता है, 10। 10। कैसे ये sp2 पे कितने आए काउंट करके फिर टोटल करना है। 3 आता है। sp2 पे 3 आ गया अनहाइब्रिडाइज। कैसे कार्बन में कितने थे ऑर्बिटल्स, बेसिक स्ट्रक्चर देखोगे 1 2 3 4 5 थे, ठीक है। 5 में से आपके 2 ने क्या कर लिया, 3 ने क्या कर लिया, हाइब्रिडाइजेशन कर लिया, तो आपके 2 अनहाइब्रिडाइज बच गए यहाँ। और यहाँ पे भी इतने ही बचेंगे। और sp में देखो कितने हो जाएंगे sp वाले कार्बन पे, भाई 2 हाइब्रिडाइज हो गए तो 3 अनहाइब्रिडाइज बचेंगे, और इधर भी sp वाले पे 3 अनहाइब्रिडाइज बचेंगे, ठीक है। बॉन्डिंग नहीं पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं कितने अनहाइब्रिडाइज हैं। तो कितना हो गया, 4 + 6 10 आ गया। क्लियर है बात? यस मैम। ये क्वेश्चन तो हो गया आपका। इसमें क्या करना था, स्टार लगा के क्या बोल दिया। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या करना है, क्या क्या बताना है, एक तो हाइब्रिडाइजेशन बताना है, जिन पे स्टार लगा हुआ है ना उनका हाइब्रिडाइजेशन। फिर उसके बाद आपको टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं स्ट्रक्चर्स में, ये बताना है, ठीक है। एक मैं बता देती हूँ, जैसे इसी स्ट्रक्चर को मैं बता देती हूँ, ई वाला। मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, यहाँ स्टार वाले को पूछा गया, ठीक है। तो स्टार वाले कार्बन को अगर देख लो, तो ये वाले कार्बन को अगर देखो तो इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो। ए वाले पे अगर देखो तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसके चारों तरफ कौन से बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, एक सिंगल एक सिंगल, ठीक है। और जो आपके बॉन्ड नहीं दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। तो इसका मतलब इस पे सारे बॉन्ड सिंगल हैं। इसके कार्बन के स्ट्रक्चर को अगर CA को देखोगे तो इसमें 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, हाइड्रोजन दिख नहीं रहे, और बाकी इसके पास 2 बॉन्ड हैं। तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3 हो गया क्या। यही सिचुएशन इसके पास भी है, इसके पास भी सिंगल बॉन्ड, और जो नहीं दिख रहा है वो हाइड्रोजन से सेचूरेट हो। तो ये भी sp3, अगर कोई कार्बन ऐसा दिखता है जिस पे केवल सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं आपको तो वह sp3 होगा, ठीक है। अब बाकी इसमें सिग्मा और पाई काउंट कर लोगे, जितने डबल बॉन्ड होंगे डबल बॉन्ड में एक पाई आ जाएगा। डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, वन सिग्मा एंड वन पाई। तो पाई अगर देखो तो 1 2 3 डबल बॉन्ड है तो 3 पाई आ गए। और सिग्मा देख लो, ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये है CH2 बेसिकली, ये कार्बन जो है ये भी CH2 है, और ये जो पॉइंट वाला कार्बन है लास्ट में ये है CH3। इस कार्बन की अगर बात करो इस तरीके से दिखाएंगे तो स्ट्रक्चर बन जाएगा।
इस तरीके से है, ठीक है। अब इसको ओपन करके अगर लिखेंगे तो ये स्ट्रक्चर है। तो ये जो फॉर्मूला होता है इसको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कहते हैं। बॉन्ड लाइन क्यों कहते हैं? सारे बॉन्ड्स जो हैं वो लाइन से और कार्बन को पॉइंट से डिनोट किया गया। ठीक है, ये एग्जैक्टली इसका स्ट्रक्चर है। तो अगर ये स्ट्रक्चर है तो जितने भी हाइड्रोजन अटैच होंगे वो सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे, तो वहां पे तो सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा और डबल बॉन्ड हो गया पाई बॉन्ड। तो देख लो, थ्री डबल बॉन्ड है तो थ्री तो पाई होगा, और सिग्मा काउंट करो। अब देखो जितने आपको दिख रहे हैं पहले उनको काउंट कर लो। वन सिग्मा यहाँ पे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छः सिग्मा यहाँ पे आ गए, सेवन, एट, नाइन। नाइन तो आपको बॉन्ड से ही दिख रहे हैं सीधे सीधे, और जो हाइड्रोजन होंगे वो भी तो सिग्मा से अटैच होंगे ऐसे करके। तो हाइड्रोजन देख लो कितने हैं, नाइन पहले थे, अब यहाँ से गिनो, टेन, एलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवनटीन, एटीन, नाइनटीन, ट्वेंटी, ट्वेंटी वन, ट्वेंटी टू। सही काउंट किया है, काउंटिंग देख लेना। ये सिग्मा सबको समझ आ गया काउंट करना कैसे हमने काउंट किया। इसको ए बोला था, इसको बी बोला था, सी ए पे एस पी थ्री था और सी बी पे क्या था, एस पी थ्री था दोनों, ठीक है। अब जैसे ये स्ट्रक्चर है इसकी अगर बात करोगे तो इस कार्बन को देखो, ये कार्बन, ये कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, एक इधर सिंगल सिंगल और इधर सिंगल सिंगल। तो कार्बन को अगर देखो तो इसकी फोर वैलेंसी सेचुरेट हो गई, वन, टू, थ्री, फोर। फोर वैलेंसी अगर सेचुरेट हो जाती है तो कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे हाइड्रोजन सी एच मत बनाना, इधर बनेंगे सी एच पर इधर नहीं बनेंगे। इस स्ट्रक्चर को ओपन फॉर्म में बना के सिग्मा और पाई आप काउंट कर लीजिए और हाइब्रिडाइजेशन बताइए इस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। एक डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है एस पी टू, इस पर कौन सा होगा एस पी टू, बाकी इस तरीके से। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन। करके रखिएगा, नेक्स्ट संडे को आपसे बात करेंगे, ठीक है। अभी तो बहुत छोटी सी बात हुई है, थोड़ी सी आगे और भी बातें करेंगे ऑर्गेनिक में अच्छी अच्छी तो आज की क्लास ऑफ करें। थैंक यू मैम। ठीक है, चलो बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।